ये बूथ है क्या मेट्रो स्टेशन में सारी? हाँ भाई, कैसे लगा रहा? राइट, 50 रुपया। ये 50 रुपये का है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता कपड़ा। 50 रुपये का, चलो ठीक है। मेरा नाम है दिलवर और आप देख रहे हो दिलवर ब्लॉग। जैसे कि आप जानते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए जा रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हो, मैं अभी मेट्रो स्टेशन पर हूँ। देख रहे हो ये बैठा है दुबई से। फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं, ट्रेन की इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कितने देर में ट्रेन आएगा। और ये हमारे जो गार्ड साहब देख रहे हो, ये हम जिस ट्रेन में जाने वाले हैं, सफर करने वाले, तो वो ट्रेन आ गया। अभी मैं लक्ष्मी नगर हूँ, लक्ष्मी नगर से हम यमुना बैंक जाएंगे, यमुना बैंक से फिर दिल्ली की गाड़ी पकड़ेंगे। अभी थोड़ी देर में गेट खुलेगा, चलो देख। ये देखो, हम मंडी हाउस आए हैं, तो मंडी हाउस रेलवे स्टेशन आए हैं। मंडी हाउस से फिर जमा मस्जिद वाले कुछ सामान लेना है वहाँ, तो वहाँ जमा मस्जिद वाले मेट्रो में बैठेंगे। तो अभी हमें कश्मीरी गेट वाली उसमें मेट्रो में बैठना है। ये बूथ है क्या मेट्रो स्टेशन में सारी? पीली रेखा के अंदर रखे। मेट्रो में बैठेंगे तो भाई यहाँ लिफ्ट नहीं चल रहा, ये सीढ़ी से आना पड़ रहा है। भाई भीड़ बहुत रहता है यार मेट्रो स्टेशन में, पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता इतने सारे लोग आते कहाँ से। भाई रुक गया भाई। फ्रेंड्स प्लीज, हम अभी आ गए हैं मार्केट। मार्केट आप देख सकते हो, ये हमारे साथ है। भाई क्या लेना है तेरे को? लेना क्या है? चप्पल लेना ही, उसके लड़के के लिए वो लेना है, चप्पल लेना है। और कमरे इधर देख रहा ना हमारा। तो भाई ये जाएगा 10 तारीख को साहब, और ये उसके उसका शॉपिंग के लिए आया हूँ उसके साथ। अम्मा कॉल देख रहा है? नहीं, अम्मा कॉल भाई बांग्ला माते थी बेटा, हमारे ब्लॉग को बांग्ला बात में। यार ये मार्केट है ना, बहुत ही सस्ता है, कुछ भी खरीद सकते हो। 250-300 में बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिल जाता है। और ये 5 रुपये में मिलेगा, ये जो मेरा पीछे जो देखा, ये कहाँ रहा भाई? मीना बाजार का। ये जो आप पीछे जो मार्केट देख रहे हो, ये रोड के मतलब, ये आप पीछे देख सकते हो लाल किला है। हम 11 बजे निकले थे, 11 बजे से, तो अभी ये बोल रहे हैं थोड़ी देर में अभी चाय पियेंगे। भाई अब हाँ भाई, कैसे लगा रहा? राइट, 50 रुपया।
यह 50 रुपये का है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता कपड़ा, 50 रुपये का। चलो ठीक है। ये जो मार्केट है ना, ये है हार्डवेयर का मार्केट है। अब बहुत ही पुराने पुराने मशीन अब अगर आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, और देख रहे हो आप एक से एक बढ़िया मशीन है, सेकेंड हैंड न्यू, अब कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ से। फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो ये जमा मस्जिद, शाम का टाइम हो गया तो जमा मस्जिद यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। मस्जिद के अंदर तो नहीं गया, लेकिन मस्जिद के बाहर अभी नमाज के टाइम है। अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, जब कभी टाइम मिलेगा तो मस्जिद के अंदर जाऊँगा मैं। बहुत ही खूबसूरत, 400-500 साल पहले जो मस्जिद बनी है, अभी देखो कैसे है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये मस्जिद जब 400-500 साल पहले बना है, और अभी के अभी ये ऐसे ही है, खूबसूरत बनावट है। और एक बात है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये मस्जिद कितना ऊपर बना है, वो भी 400-500 साल पहले कितना ऊपर बना है। आप नीचे मार्केट लग रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो ये 400-500 साल पहले ये कितना ऊपर था मस्जिद, जब चढ़ोगे ऊपर चढ़ने के बाद आपके सामने लाल किला का ये दीवार दिखेगा, लाल किला का दीवार। सो फ्रेंड्स अभी रात को 7 बजे, आप लोग को ये लग रहा होगा कि इतने लाइटिंग वगैरह कैसे हो रहा है। भैया आप लोग पीछे देख सकते हो अंधेरा ही है, बिल्कुल अंधेरा ही है, और सुबह हम 10-11 बजे निकले हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ा थका हुआ हूँ, और अभी थोड़ी देर में वीडियो बंद कर दूँगा, निकल जाएंगे घर के लिए, नोएडा में निकल जाएंगे। और अभी तो दिल्ली में जमा मस्जिद, दिल्ली में तो आप सबको पता ही है, और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब शाम का टाइम, मतलब मैं अंदर जा नहीं पाया, टाइम थोड़ा कम है, अंदर जा नहीं पाया, और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है इमारत ये मस्जिद। बहुत मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये देखने के लिए, बहुत ही लोग हैं अभी, ये भीड़ देख रहे हो आप, बहुत लोग हैं अभी, कुछ लोग तो आ ही रहे हैं अभी, और कुछ लोग अभी निकालने वाले हैं अभी, क्योंकि अंदर नमाज चल रहा है तो कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो अब पीछे यहाँ से अब मार्केट का जो नज़ारा है, अब मार्केट का नज़ारा यहाँ से मतलब बहुत बढ़िया व्यू आता है, लोगों ने देखा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया है। मतलब सैटरडे संडे जैसे छुट्टी मिलता है, घूम लेना चाहिए, थोड़ी बहुत इधर उधर जाना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे मेरे को ज़्यादा तो टाइम मिलता नहीं, तो इसलिए अभी इसलिए जब टाइम मिलता है तो ब्लॉग वगैरह बना लेता हूँ, जहाँ जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर वीडियो बनाता हूँ मैं, मेरा यही काम है, डिज़ाइनिंग फ़ोटो वगैरह यही काम है बस। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं ये ब्लॉगिंग करता हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पे दिलवर ब्लॉग नाम से मेरा पेज है, और इंस्टाग्राम में मेरा दिलवर ब्लॉग नाम से सेम नाम, यूट्यूब पे भी सेम नाम से। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।